कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान। तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या से जीवन में आती है मधुरता। ओम शांति। एक योगी कठोर तपस्या करता है, कई वर्षों तक तपस्या में बैठा रहता है शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। और ऐसी कठोर साधना करते करते एक दिन भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते, तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहते हैं, मुझे अमर भव का वरदान दे दो, अमर बनने का। भगवान कहते हैं, ऐसा वरदान मैं तुमको नहीं दे सकता। वो कहता है, मुझे यही चाहिए, कैसे भी करके मुझे अमर बना दो। भगवान कहते हैं, ये प्रकृति के विरुद्ध है, कोई अमर बन नहीं सकता, यहां तक कि देवताएं भी अमर नहीं है। परंतु वो कहता है, मुझे अमर ही बनने का वरदान चाहिए। इतने वर्ष जो कठोर मैंने साधना की, क्या वो सब व्यर्थ चली जाएगी? मैंने इतना परिश्रम किया, इतना सब कुछ किया, सब व्यर्थ? वो कहता है, नहीं, मुझे वही चाहिए। तो जब इस तरह संवाद होते रहता है तो एक आवाज आती है, जिस पत्थर पर बैठकर उसने तपस्या की थी वो पत्थर ही बोल पड़ता है। वो पत्थर कहता है, तुमने मेरे ऊपर 10 साल बैठ के साधना की, ये वरदान तो बाद में, अब मैं तुम्हारे ऊपर बैठ के 10 साल साधना करूंगा। तुम मुझ पर 10 साल बैठे और तुमने तपस्या का क्या कर ली? इतना अहंकार और इतना घमंड कि अभी डिमांड करने लग गए कि मुझे मेरी तपस्या का फल दो। वो कहता है, मैं अब तुम पर 10 साल बैठूंगा। तब उसके होश ठिकाने आते हैं और वो सोचता है, ये मैं क्या कर रहा था? और वो भगवान से माफी मांगता है और कहता है, आपके दर्शन हो गए, बस और कुछ नहीं चाहिए। घमंड या अहंकार एक ऐसी चीज है कि किसी भी बात में हो सकता है। एक आत्मा बहुत तीव्र पुरुषार्थ कर रही है, हो सकता है उस तीव्र पुरुषार्थ का ही घमंड हो जाए। कोई तपस्या कर रही, हो सकता है उस तपस्या का ही घमंड हो जाए। कोई दिन रात सेवा करती है और उस सेवा का ही घमंड हो जाए कि हमारे जैसी सेवा और कोई नहीं कर सकता, हम ही सर्वश्रेष्ठ सेवाधारी है, हम जो पुरुषार्थ करते हैं बस वही राइट पुरुषार्थ है, बाकी सब लोग जो पुरुषार्थ कर रहे हैं सब वेस्ट, व्यर्थ। तो तपस्या एक ऐसी बात है, एक ऐसा शब्द है कि जिसको सुनते ही मन में संयम, मन में ऐसी इच्छा जागृत होती है कि हम भी तपस्वी बने, हमारा जीवन भी संपूर्ण संयमित हो, हमारे जीवन में भी संपूर्ण पवित्रता हो। सुबह की मुरली में बाबा ने कितनी बार कहा है, विशेष वर्ल्ड, विशेष वर्ल्ड को छोड़ दो, अपवित्रता की गंदी आदतें छोड़ दो। तो तपस्या हर एक को करनी है और हमारा जीवन तपस्वी जीवन है। और जब तक ये जीवन तपस्वी जीवन नहीं, तब तक जीवन में चाहे जो भी सेवाएं करो संतोष नहीं आ सकता। ऊपर से एक आत्मा सब कुछ कर रही है पर अंदर से तपस्या की ज्वाला, तपस्या की अग्नि नहीं है, तो जैसे सब कुछ व्यर्थ है, एक सूक्ष्म असंतोष रहेगा। और जब तक जीवन में वो तपस्या की चिंगारी नहीं, तब तक
अतृप्त असंतोष प्यासी रहेगी आत्मा, यहां तक कि केवल ज्ञान भी उसे तृप्त नहीं कर सकता। दिन रात कोई ज्ञान का भी बहुत चिंतन करे तो भी तृप्ति नहीं आ सकती, क्योंकि आत्मा की संपूर्ण तृप्ति, कल का स्लोगन था वो जो प्रेम का सागर है, वो जो सुख का शांति का आनंद का सागर है, जब तक आत्मा उसमें नहीं समाती, वही सच्चा तपस्वी, और जब तक वो अवस्था नहीं आती कुछ भी करो बेचैनी रहती है, या फिर जीवन के ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर जैसे नहीं पता, नहीं मिल रहे, बेबूझ पहेली, अनसॉल्व्ड मिस्ट्री जैसा, पजल जैसा लगता है। और तपस्या है क्या, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तपस्या की ज्वाला। वास्तव में यह विषय कल शांतिवन में लेना था, पर एक ऐसी इमरजेंसी आ गई कि जिसको हम 3 घंटे तक उसी में लगे रहे, 5:30 बजे से तो 8:30 तक, इसके लिए निकल ही नहीं पाए, तो हमने सोचा आज यहां ले लें इसको, और आज भी अभी तक चालू ही था कुछ कुछ। तो कैसे हम अपने आप को तपस्वी बनाएं? तप की क्या परिभाषा है, तप के क्या प्रकार है, तप के भक्ति में क्या सिद्धांत है, और भगवान ने तपस्या किसको कहा है, ऐसी कुछ बातों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले परिभाषा। शास्त्र कहते हैं तप अर्थात शरीर को पीड़ा देना। संसार में जो परिभाषा है तपस्या की वो है शरीर को पीड़ा देना। इसलिए जैसे ही वर्ड तपस्या आता है, तपस्वी आता है, एक ऐसा लुकड़ा सा व्यक्ति झाड़ के नीचे ऐसे बैठा हुआ है, समाधि मग्न, संसार की सुध-बुध खोया हुआ, या उपवास कर रहा है बहुत लंबे समय से, ऐसा एक चित्र आंखों के सामने आ जाता है। तो संसार की जो परिभाषा है तपस्या की वो है तप, तपस, तापस, वो है शारीरिक पीड़ा। परंतु भगवान ने जो परिभाषा दी है वो ये नहीं है, वो कुछ और है। दूसरा, उसको हम देखेंगे, तपस्या के कितने प्रकार है, बहुत सारे प्रकार गिनाते हैं। सबसे श्रेष्ठ तपस्या है सात्विक तपस्या, फिर है राजसिक तपस्या, फिर है तामसिक तपस्या। सात्विक तपस्या सर्वश्रेष्ठ तपस्या है, और द्वापर के शुरुआत में जो योगी हुए हैं वो सात्विक तपस्या करते थे, जहां उनका लक्ष्य केवल ईश्वर प्राप्ति या ईश्वर के दर्शन रहता था और कुछ भी नहीं। पर जो राक्षस लोग तपस्या करते थे उनका लक्ष्य रहता था कुछ मिल जाए तपस्या से, तपस्या करूं तो कुछ प्राप्ति हो जाए। जैसे तीनों भाई तपस्या करने बैठते हैं, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण। विभीषण कहता है कि मुझे भगवान के चरणों में निरंतर भक्ति दो, यही मुझे तपस्या का फल चाहिए। रावण कहता है कि मुझे त्रिलोक का स्वामी बना दो, या सारी शक्तियां मुझ में आ जाए। कुंभकर्ण चाहता है मुझे इंद्रासन मिल जाए, पर इंद्र को चिंता होती है तो वो सरस्वती उसके मुख में जाती है, इंद्र की जगह निद्रासन बोल देता है, तो वो कहता है तुम हमेशा के लिए नींद करते रहोगे। पर रावण कहता है फिर ये जीवन का फायदा क्या, मेरे भाई का क्या होगा, कुछ तो करो। वो कहता है ठीक है, 6 महीने में एक दिन जागेगा। तो ये इस तरह की जो तपस्या है, पहले रावण की और कुंभकर्ण की, यहां पे कुछ स्वार्थ है, कुछ इच्छा है, उसको राजसिक तपस्या की कही जाती है। और एक होती है तामसिक तपस्या, तामसिक अघोरी तंत्र, तामसिक जिसमें शरीर को गाड़ देते हैं आधा यहां तक, इस तरह की तपस्या करते हैं संसार के लोग। तो ये 3 प्रकार की तपस्या बताई है, और है मानसिक तपस्या, वाचिक तपस्या और कर्म से संबंधित तपस्या। मानसिक तपस्या सर्वश्रेष्ठ तपस्या है, जहां पर बैठकर हम मन को संयमित कर रहे हैं, और मन का संयम जिसने साधा
वो सर्वश्रेष्ठ है जिसने मन को अपने वश में कर लिया है। इससे ऊपर और कोई स्थिति नहीं है। नीचे जाने ही नहीं देना मन को। शरीर, शरीर के आकर्षण और भोग विलास, वर्तमान समय सभी ब्राह्मण दो चीजों में डूबे हुए हैं। कौन कौन से? एक भोजन और दूसरा YouTube, मोबाइल नहीं, ये दो ही चीजों में डूबे हैं। या तो इसका चिंतन या तो उसमें कुछ ना कुछ करते रहेंगे, लक्ष्य कुछ नहीं, खाली करते रहेंगे। बहुत बड़ी माया बन गई है। और जिसे तपस्वी बनना है और योगी बनना है, इन दोनों से ऊपर निकलना पड़ेगा। मानसिक तपस्या अर्थात मन को नीचे नहीं आने देना है, दुखी नहीं होने देना, उदास नहीं होने देना, गिरने नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए, कठोर वज्र सा बना देना मन को। ये सारी साधना है शक्तिशाली बनने की। कोई आ जाए और हमको रुला दे, कोई आ जाए और हमको दुखी कर दे, कोई विचार आ जाए और हम डूब जाए, कोई भावना जागृत हो जाए और वो अस्थिर कर दे। इसलिए कभी कभी हमको लगता है हमने जो नियम बनाए वो तो बहुत अच्छे हैं। शाम का योग किया, 7:30 बज गए, उठ गए, काम पूरा हो गया। इसके लिए हम व्यक्तिगत रूप से कभी ऐसा करते हैं कि कमरे में ही बैठते हैं और वो 7:30 नहीं, फिर वो 8:30 या 9:30 तक जाने देते हैं उसको, और उसमें केवल बाबा से बातें करते हैं आगे, कि अंदर कुछ गंदगी ना रहे, अंदर कुछ अस्वच्छता नहीं रहे, अंदर ऐसी कोई बात हमने छिपा के नहीं रखी हो जो उसको हमने नहीं बताई। वो जैसे दोस्त सामने खड़ा है और वो पूछता है, वो गाइड है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है, नियम टाइम लिमिट रखना बहुत अच्छी बात है, पर कभी कभी इस टाइम भी बाधा हो जाती है। ये टाइम हो गया, चलो हो गया, वो योग पूरा हुआ, अभी सीधा अमृत वेला कल। ऐसा क्यों? यदि कुछ काम नहीं है रात में तो वही 7:30 बजे की योग की अवस्था रात तक लेके जानी है, सोने तक, ताकि वो रात की नींद भी योग बन जाए और उठे तो भी ऐसा जागरण हो वो जिसमें आंखों में जरा भी नींद नहीं। और हमने देखा है कि जब चेतना जागृत है तो नींद कम भी यदि हुई उसके बाद में भी बहुत कम ऐसा होगा कि नींद आएगी अमृत वेला। हमने देखा है कई बार तो ऐसे होता है कि यदि हम 10 बजे सोए और यदि 2 बजे उठना है, उस 4 घंटे के बीच कम से कम 4 ICU से कॉल आते हैं। रोज 3-4 मैसेज रात भर चलते, क्योंकि रात भर पेशेंट्स चालू रहते। पेशेंट आया, मैसेज, 1 घंटे के बाद उसका रिपोर्ट सारे, और कई बार जाके देखना, और ऐसा सब करके फिर अमृत वेला पहुंचना। तो नींद तो कर रहे हैं पर जैसे जागे ही हुए है। और अधिकतर हमने देखा उसके बाद में भी नींद नहीं आ रही, अमृत वेला नींद नहीं आई। पर कभी कभी होता है जब 3 या 2.5 घंटे से भी कम नींद हो गई तो फिर उसका असर कभी कभी अमृत वेला होता है। परंतु हमको अंदर से जागृत रहना है। सेवाएं चालू रहेगी पर सेवाएं अलग है, अमृत वेला अमृत वेला है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी लेट हो जाए, सोने को, उठने का टाइम है, उसको बदलना नहीं है। तो मानसिक तपस्या, दूसरी है वाचिक तपस्या, वाचा की तपस्या, अपनी वाणी को शक्तिशाली बनाना। और वाणी शक्तिशाली तभी है जब आत्मा शक्तिशाली है। जब आत्मा में वास्तविक धारणा है तो ही
वाणी शक्तिशाली है। जैसे किसी ने यहाँ पर सुनाया था, कोई एक भाई गया और उसने लेक्चर दिया नॉनवेज फूड पर कि नॉनवेज बिल्कुल खाना नहीं चाहिए, तो सारी सभा एकदम बहुत खुश हो गई वो सुनकर। तो सभा का एक व्यक्ति को लगा मुझे इसको देखना है ये खाता है कि नहीं खाता है, तो उसने उसका पीछा किया उस भाई का, यज्ञ की नहीं बाहर की कहानी है। तो वो भाई वहां से लेक्चर्स देने के बाद सीधा होटल में गया और वहां नॉनवेज मंगाया और खाने लगा। तो ये जो स्टूडेंट था जिसने ऑडियंस में जाता और जिसने उसका पीछा किया, वो वहां पहुंच गया और कहा कि अभी अभी आपने एक घंटा लेक्चर दिया नॉनवेज के विरुद्ध और आप नॉनवेज खा रहे हो। वो कहता है मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, मैंने उनको कहा मत खाओ। ऐसी वाणी का कोई असर नहीं होगा। जो स्वयं धारणा युक्त है, धारणाशाली है, वही वाणी द्वारा हृदय पर तीर मार सकता है। तो काम वाणी पर तो करना ही नहीं है, काम करना है उसके पीछे तपस्या पर। यहां पर काम होना चाहिए धारणाओं पर। सेवाएं तो यज्ञ में सभी कर रहे हैं और इतनी अच्छी अच्छी कर रहे, एक से बढ़कर एक सेवाएं कर रहे हैं। सेवाओं में सब नंबर वन है, परंतु सेवा करते करते कहीं धारणाएं डगमग ना हो जाए। अमृत वेला, भोजन करते समय क्या वास्तव में हम मौन में भोजन करते हैं? एक अगर सर्वे किया जाए सारे ब्राह्मणों का कि भोजन करते समय उनकी क्या अवस्था है, तो पता चलेगा कि भोजन करते समय बातें चालू है, भोजन क्या क्या बना है उसकी चर्चा चालू है, क्या क्या होना चाहिए था क्या क्या नहीं होना चाहिए या सेवाओं की चर्चा चालू है। ब्रह्मा बाबा भोजन कर रहे थे और कुंज दादी आकर सारा संदेश सुनाने लगी सेवा का, तो बाबा ने कहा बच्ची तुमने बाप को माशुक से जुदा कर दिया। दादी ने कहा आई एम सॉरी, कितनी बार सुनाया है दादी ने ये स्टोरी। धारणा है, अमृत वेला कहो, मुरली का चिंतन कहो, भोजन याद में बनाना और जो नहीं बनाते मौन में खाए। मौन अर्थात मौन। एक नया परिवार जो ज्ञान में चल पड़ा और उन्होंने बहुत सारी बातें सुन ली ज्ञान की और सारी धारणा वाली आत्माएं थी, वो नीचे आए शांतिवन में और उनके घर का नियम था और जो उन्होंने सेंटर पर सुना था कि हम लोग सब मौन में भोजन करते, तो यहां जब सेवा के लिए आया और देखा कि यहां तो सब बातें करते हैं, तुरंत अपनी धारणाओं को तोड़ दिया और वही करने लगे जो सब करते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? तो उसी तरह मौन में, उसी तरह आत्मिक स्थिति में, उसी तरह भोग लगाकर, उसी तरह याद में स्वीकार करना है उसे, उसी तरह शरीरी होकर, उसी तरह ये चिंतन करते हुए कि ये मैं केवल शरीर को इसलिए खिला रहा हूं ताकि ये शरीर स्वस्थ रहे और इस शरीर की आवश्यकता है बहुत कम है, उतनी तो बिल्कुल नहीं है जितना उसे दिया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगली महत्वपूर्ण बात, रात को सोने की विधि, किस तरह सोया जा रहा है, टीवी देखते हुए, कोई वीडियो देखते हुए, बातचीत करते हुए, मैसेजेस, सोशल मीडिया, इस तरह अगर सोने की विधि है। किसी मुरली में बाबा ने यहां तक कहा है कि सेवाओं से बहुत थक गए, आ गए और लेट गए और सो गए, यह भी अमर्यादा है, क्योंकि बाप से तुमने गुड नाइट की नहीं, बाप को अपना समाचार दिया नहीं, थक गए थे इसलिए सो गए, ये कैसी धारणा है? तो ये भी तपस्या नहीं हुई। तो मनसा तपस्या, वाचा तपस्या, कर्मणा तपस्या। कर्म हमेशा सर्वश्रेष्ठ हो, कर्म फर्स्ट हो, प्रथम हो, जो ड्यूटी जिसको दी गई है दैट शुड बी द फर्स्ट। ऐसा नहीं जैसे कोई डिपार्टमेंट है और वहां कोई सेवा है और वहां कोई एक आत्मा रहती है वो बहुत योगी है
उसका योग बहुत अच्छा है, परंतु योग बहुत अच्छा है पर डिपार्टमेंट में गड़बड़ चल रही है, तो उसको क्या कहेंगे फिर? क्योंकि सारा ध्यान योग करने की तरफ है, या भाषण देने की तरफ, या पढ़ने की तरफ, या क्लास सुनने की तरफ, या और कुछ, और इधर ध्यान कम है, तो ये भी तो योगी नहीं हुआ। योगी की परिभाषा ये नहीं कि अमृत वेला उठ जाए, योगी की परिभाषा ये नहीं कि भाषण दे, योगी की परिभाषा ये नहीं कि क्लास सुने, योगी की परिभाषा ये नहीं कि बैठा बैठा योग करे। योगी की एकमात्र परिभाषा है योगी, अर्थात वो कर्म योगी हो, ये सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है योगी की, बाकी सब परिभाषाएं नीचे। He has to be कर्मयोगी, उसको जो ड्यूटी दी गई है उसमें वो उसको प्रथम रखे, बाकी सब चीजें बाद में। फिर बाबा चाहे नीचे आ रहे हो, चाहे ओम शांति भवन में किसी दादी का क्लास है, पर आपकी अगर ड्यूटी है तो ड्यूटी फर्स्ट, क्लास बाद में। उस क्लास का भी त्याग कर देना उस समय, क्योंकि ड्यूटी फर्स्ट, सेवा फर्स्ट, यही भगवान ने सिखाया है। इसके लिए योगी की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है वो कर्म योगी रहना चाहिए, बाकी नहीं। तो तपस्या, तो ये तीन प्रकार तपस्या के, और ये तीन प्रकार ये भक्ति मार्ग में है। ज्ञान क्या कहता है? तपस्या को हम सात भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहले उधर जब कोई तपस्या करता है तो उसे क्या चाहिए रहती है? सबसे पहली सीट, सीट क्या चाहिए रहता है? आसन। और वो कौन सा आसन प्रयोग करते हैं? चर्म शेर का, या चमड़ी, या हिरन, या इस तरह के प्रयोग करते थे पहले जमाने में, फिर बाद में तो आसन सिंपल सा। तो सबसे पहली चीज जो चाहिए वहां संसार में वो है आसन, और इसका भी बहुत महत्व है। एक छोटा सा आसन हर एक ब्राह्मण के पास होना चाहिए, जो लोग घर पे रहते हैं, और जब भी बैठे पहले उस आसन को बिछाए, उसी पर बैठे, और वो एक ही आसन रहे। मधुबन में आसन लेके आने की जरूरत नहीं है, मधुबन सारा ही आसन है तो पर एक आसन छोटा सा रहना चाहिए जो लोग घर पे रहते हैं, ताकि जब भी बैठे घर पे, और घर पे एक ट्रांसलाइट, और घर पे एक बाबा का कमरा। क्योंकि कभी कभी ये भी नहीं कि सेंटर और मधुबन, इस पर भी डिपेंडेंट नहीं हो जाना है। बाबा का कमरा भी अवलंबन ना बन जाए योग के लिए, कि हम बाबा के कमरे में जब तक नहीं जाए तब तक योगी नहीं होगा। कभी जानबूझकर वहां न जाकर अपने ही कमरे में बैठना, और देखना कि जैसे तटस्थ वहां बैठते हैं एकाग्रता से, कमरे में भी बैठ सकते। क्योंकि योगी अर्थात निराधार, कोई भी आधार नहीं, किसी व्यक्ति का आधार नहीं, किसी स्थान का आधार नहीं, किसी कंडीशन का आधार नहीं, कोई परिस्थिति का आधार नहीं। यहां जमीन पर नीचे बिना कोई रजाई चटाई के भी बैठना पड़े तो वहां पर भी हम बैठ सके, वहां पर भी सोने की नौबत आई तो नो कंप्लेंट्स। वहां पर वो आसन है, यहां पर हमारा आसन है सोमान का आसन। ये तो चलो स्थूल बात बताई, पर वो भी आवश्यक है, इधर भी आवश्यकता थी, उधर तो वो एक ही आवश्यकता थी, पर यहां हमारा है सोमान की सीट। जब भी योग में जाए, एक है उठे और सीधा गए योग में बैठे, जो करेंगे करेंगे, पहली कोई तैयारी नहीं है कि आज मुझे अमृत वेला या नुमाशाम, इस एक सोमान के साथ शुरुआत करनी है। इसलिए ये सोमान तो आग खुली कि रात में ही हमारा एक रेडी हो सोमान, उसी सोमान के साथ। हमने कई समय तक, कई सालों तक एक अभ्यास किया कि जैसे ही आग खुली, मोबाइल लिया, और उसमें जो वरदान है उस दिन का, उठते ही सबसे पहले उसको पढ़ लिया, और फिर उसके बाद जब स्नान कर रहे सुबह मधुबन में आने से पहले, तो स्नान करते करते भी उसी सोमान का चिंतन या उसी सोमान का अभ्यास, और मधुबन पहुंचते पहुंचते उसी सोमान का अभ्यास, और योग की शुरुआत ही उसी सोमान से।
और फिर उसको ही ड्रिल में कन्वर्ट करके उसी के सकाश उसी आधार से उठ जाना, आके खाली बैठ जाना और बाबा को देखते रहना या बात करते रहना, ये खाली योग नहीं है। ये है आरंभिक अवस्था, पर आगे भी तो बढ़ना है, संपूर्ण अशरीरी भी तो होना है। डेड साइलेंस की अनुभूति। तो उधर है स्थूल आसन, इधर है सोमान का आसन। दूसरा, उधर कोई झाड़ के नीचे तपस्या करता है, कई बार दिखाया झाड़ के नीचे। हम भी जब बैठे तो ये सोचे कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हैं और छत्र छाया है परमात्मा प्रेम। झाड़ अर्थात उसकी छाया होती है ना, तो दो चीजें आ गई यहां पर, एक तो झाड़, तो ये सोचना कि मैं बैठा तो हूं परंतु ये जड़े हैं और मैं जड़ों में बैठा हूं और सारा कल्प वृक्ष है और मेरी किरणें इस संसार की एक एक आत्मा को जा रही, एक एक धर्म की, एक एक धर्म स्थापक को, जितनी आत्माएं हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की, सब आत्माओं को ये किरणें जा रही है और मैं स्वयं परमात्मा छत्र छाया में हूं। ये दूसरी चीज, वहां केवल स्थूल झाड़ जैसे महात्मा बुद्ध को दिखाया है, स्थूल झाड़। पर वहां पर भी ऐसा हो जाता है कभी कभी कि जो स्थूल चीजें होती है वही लोग ग्रहण कर लेते हैं। जब तक झाड़ नहीं मिलेगा तब तक तपस्या ही नहीं होगी, तो झाड़ की तलाश में जाते हैं। और महात्मा बुद्ध ने 6 साल तक अपने आप को बहुत सताया, शरीर को, और फिर ऐसे दुर्बल हो गए, खाना सब छोड़ दिया कि एकदम गिर पड़े। एक बार तो एक बहन आई सुजाता, उसने खीर वीर पिला दी और थोड़ी ताकत आई और फिर उन्होंने संकल्प किया कि मैं अभी इस झाड़ के नीचे बैठूंगा और जब तक मुझे सत्य का आभास नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, उठूंगा ही नहीं यहां से। ये है कहानी। पर आज संसार में बहुत सारे बौद्ध आश्रम है, वहां पर नियम है पहले खीर खाओ फिर तपस्या करना। उस खीर खाने का कुछ संबंध नहीं है, पर नियम क्या है, आश्रम में एक बोधि वृक्ष रहना चाहिए, इधर खीर खीर और फिर जाके तपस्या करो। अभी इस तरह से जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाता है, कोई भी धर्म, कोई भी सांप्रदाय, कोई भी सिद्धांत, लोग स्थूल बातों को पकड़ लेते, वो उन्होंने किस लिए किया था वो भूल गए। महात्मा बुद्ध एक ऐसा व्यक्ति था कि जिसने सबसे ज्यादा बात किया हिंसा की। हिंदुओं में जितनी हिंसा होती थी, बलि चढ़ाते थे, सबसे ज्यादा बात की। और आज बौद्ध धर्म में लोग नॉन वेजिटेरियन है, ये कैसे हो गया, जबकि उनके गुरु तो बुद्ध है और जिन्होंने तो एक ही शिक्षा दी, नॉन वेज, किसी प्राणी को मारना ही नहीं है, दुख देना ही नहीं है किसी को, फिर भी ऐसा कैसे हुआ। उसकी भी एक कहानी ऐसी है कि एक बार उनका एक शिष्य, क्योंकि उनके शिष्यों का यह नियम था कि जिसने जो दे दिया वो ले लेना, मना नहीं करना, ये क्यों दिया वो क्यों दिया, चुपचाप उसको खा लेना जो भी, और एक बार दिया बस वापस नहीं जाना। एक शिष्य एक बार घूमने गया और एक चील ऊपर से मांस का टुकड़ा लेके जा रही थी और उसने वो छोड़ा, वो बुद्ध था, वो जो शिष्य था उसकी थाली में गिरा। अब प्रश्न है इसका क्या करे, क्योंकि जो मिला है वो तो खाना है। तो महात्मा बुद्ध के पास गया, बोले कि अब क्या करूं, तो महात्मा बुद्ध ने निर्णय दिया खा लो, क्योंकि ऐसा बार बार तो नहीं होगा ना, क्योंकि अगर मैं इसको कहूं कि नहीं खाओ तो बाकी सभी करने लगेंगे ऐसे कि आज हमको ये घर का पसंद नहीं है, हम दूसरे घर का खाएंगे, यहां ज्यादा टेस्टी है, उसी घर में जाएंगे जहां टेस्टी है, जहां अमीर है। तो उन्होंने ये सोचकर ये निर्णय दिया कि ऐसा रोज तो होने वाला नहीं, रोज कोई चील आने वाली नहीं है ऊपर से मांस का टुकड़ा डालेगी। इस तरह नॉन वेजिटेरियन इंट्रोड्यूस्ड हो गया धीरे धीरे। तो वो बात क्या थी और कहां से कहां पहुंच गई, इधर संसार में यही सब चीजें होती है। तो चाहे वो बौद्ध आश्रम में खीर खाने की बात है, फिर ये नॉनवेज की बात तो सब जगह है, चालू हो गया उनका सबका खाना, जबकि मौलिक मूल सिद्धांत तो कुछ और था। तो दूसरी जो चीज है तपस्या, जब भी करो क्या चाहिए, एक झाड़। तीसरा, तपस्या वन में की जाती है, तपस्या संसार में फॉरेस्ट में जंगल में जाके करते हैं, वीरान जंगल जहां लोग नहीं हो। हमें तपस्या हमेशा करनी है मधुबन में,
हमें कहां करनी है? मधुबन में। चाहे संसार के किसी भी कोने पर व्यक्ति रहे, पर हमेशा यह समझना है कि जब भी योग में बैठे तो मैं कहां हूं? मधुबन में हूं। जो मधुबन में रहते हैं उनके लिए भी, क्योंकि यहां रहते रहते ये भूल जाता है कि ये मधुबन है और मैं मधुबन में हूं, और ये वही स्थान है जो केंद्र है विश्व का। जो मधुबन अर्थात संपूर्ण अगर ये विश्व है उसका केंद्र है मधुबन, ये हम भूल रहे हैं, कई बार भूल जाते हैं। इसके लिए पहले तो याद दिलाओ मैं हूं कहां, ये जो गेट जिसके थ्रू मैं एंट्री करता हूं ये कौन सा गेट है, ये कौन सा है, जगह कौन सी है, स्थान कौन सी है। मधुबन की महिमा पर ही योग करना, कभी कभी पूरा योग एक मधुबन की महिमा पर। मधुबन क्या है, मधुबन कितना महान है, मधुबन कितना श्रेष्ठ है। मुरलियां चलिए मधुबन की महिमा पर, अलग से मुरलियां चलिए। मधुबन निवासियों की महिमा अलग, मधुबन की महिमा अलग। जहां जहां नाथ पाव तुम धारा, ये वो धरनी है जहां पर भगवान ने पैर रखे है, यहां से चला है वो, उसके फुटप्रिंट्स है इस भूमि पर, ये भूल जाते। तो तपस्या वो लोग वन में करते और हमें क्या करनी है? मधुवन में करनी है। चौथा, कई बार तपस्या वो लोग गुफा में करते हैं, केव में। कई लोग कुछ झाड़ के नीचे, कई लोग कहां जाते हैं? गुफा में बैठ के कंदराओं में तपस्या करते हैं। हमें तपस्या करनी है अंतर्मुखता की गुफा में। तपस्या अर्थात शट ऑफ, वर्ल्ड को अलग कर देना और अपने ही अंदर प्रवेश करना। इसमें क्या है? देखना किस तरह की भावनाएं हैं, कौन सी गंदगी है, माया ने कहां प्रवेश किया है। आज कहा ना, माया की गोली और बंदूक की गोली। माया की गोली ज्यादा कड़ी है, कौन सी गोली लगती है अंदर? तो गुफा में प्रवेश करना अर्थात बाह्य जगत से डिटैच हो जाना थोड़ा सा। बहुत ज्यादा बात करना और बहुत ज्यादा बाह्य मुखी रखते रहते रहते व्यक्ति अंतर्मुखता को खो देता है। इसके लिए यहां पर दो चीजें बहुत आवश्यक है, मौन और एकांत। जितना हो सके सुबह 8 बजे तक हमारे मुख से ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी ना निकले, अगर निकलना है तो। या तो योग, या तो पूर्ण मौन कंप्लीट साइलेंस, या तो केवल ज्ञान। और मौन एक ऐसी चीज है कि जो करेगा केवल उसी को पता है वो क्या है, बाकी किसी को कभी उसकी खबर नहीं हो सकती। इसकी कितनी भी महिमा सुनो, जब तक हमारे ओपीडी में एक साधु महाराज आते हैं, यहीं रहते हैं कहीं, वो बोलते नहीं है बिल्कुल। आते हैं तो सबसे पहले कागज पर लिखते खांसी बुखार और ये हुआ है, और दवाई लिख के जाते, बोलते नहीं। पर बोल सकते हैं, वक्ता है, पर वाणी को संयमित कर रखा है, वो साधना है उनकी। चाहे भगवान को जाने न जाने, इसका फल तो उनको मिलेगा ही। इसलिए मौन साधना, मौन तपस्या, जैसे भोजन का उपवास है, भोजन के लिए उपवास, वैसे वाणी के लिए मौन। श्रेष्ठ बोलना, महान बोलना, मीठा बोलना, उन सब से भी परे कुछ भी ना बोलना कभी कभी। स्थूल रूप से ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन होगा। दादी प्रकाशमणि जब थी तब शायद कई बार मौन भट्टिया हुई है मधुबन में, कुछ भी नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठे रहो। और लंबा समय जब मौन होता है तब कई बार हमको ये पता लगने लगता है क्या होने वाला है नेक्स्ट, क्योंकि इस प्रकृति में, इस संपूर्ण यूनिवर्स में सब चीजें जुड़ी हुई है, और जैसे जैसे हम उसके साथ जुड़ने लगते हैं
सब कनेक्ट होने लगता है, अपने आप टचिंग आती है, ये करना है ये नहीं करना है, या जाना है या नहीं जाना है। मौन, हम इसके बारे में इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हमने अपने ही जीवन में, जब हम इस संस्था से भी नहीं जुड़े थे, 6 मास ऐसे बिताए थे जिसमें कुछ भी नहीं बोला था, एक शब्द भी नहीं। और वो हमने प्रयत्न से नहीं किया था, अपने आप हुआ था, जो कि संसार की ओर जीवन जा रहा था, उस मौन ने रोक कर हमको भगवान की ओर टर्न कर दिया। तो चौथा है गुफा, मौन की गुफा, अंतर्मुक्ता की गुफा, एकांत की गुफा। पांचवा है वो जो लोग तपस्या करते हैं, तपस्वी, वो जप करते हैं। क्या करते हैं? जप। हमें भी जप करना है। कौन सा? अजपा जाप। मुख से कुछ कहना ही नहीं है, बाबा बाबा भी नहीं कहना है। ये जाप ऐसा है कि जिसमें निरंतर ही याद है, वो जप निरंतर चालू ही है। अजपा जाप, ये शब्द सिख धर्म के शास्त्रों में आता है, और किसी शास्त्रों में इस तरह का शब्द नहीं है। अजपा जाप गुरु नानक देव जी ने प्रयोग किया है। अजपा जाप हो याद, सिमरन शब्द गुरु नानक जी ने कहा है, सिमरन निरंतर याद। तो अजपा जाप। और छठवा, वहां पर मंत्र होता है, एक मंत्र बहुत आवश्यक है। हमारा मंत्र बहुत सारे है, कौन कौन से? मन मना भव, मध्याजीव, और नष्टो मोह स्मृति लब्धा मामेकम याद करो, योगी भव पवित्र भव, ओम शांति, और अंतर्मुखी सदा सुखी, और नहीं मंत्र, स्लोगन नहीं, मंत्र, जिसको बाबा ने मंत्र के रूप में कहा है। मंत्र होता है ना, बहुत छोटा होता है, और मंत्र में बहुत पावर होती है। ओम नमः शिवाय मंत्र में बहुत, और मंत्र बार बार उच्चारण करते हो, एक ही मंत्र लिया जाता है, इतनी बार उच्चारण करते हैं कि मंत्र सिद्ध होने लगता है, फिर पावर आ जाती है उसमें। वो धनुष बाण लेते, मंत्र का उच्चारण करते, बाण प्रकट हो जाता है। कहां से आ गया वो पावर है? ऐसा हाथ करते मंत्र उच्चारण करते वो कुछ आ जाता है, कुछ मंत्र उच्चारण करते वो कुंती ने उनको बुला लिया, सूर्य को, तो देवताओं का आह्वान कर लिया मंत्र से। वशीकरण मंत्र होता है, पति पत्नी की नहीं सुनता है, वो वशीकरण मंत्र करती है तो वो सुनने लगता है। वो बाबा जी वगैरह देते हैं पत्नियों को वशीकरण मंत्र, पति को वश में करने का मंत्र। ऐसे सब मंत्र होते हैं संसार। तो मंत्र में पावर है। वो रामानुजाचार्य 18 बार गुरु के पास जाता है कि मंत्र दो मंत्र दो, कुछ तो करो, गुरु मिलते ही नहीं उसको। लास्ट टाइम जाता है तब गुरु को लगता है कि भाई यहां कुछ है इसमें, और फिर उसको मंत्र देते हैं, ओम नमो वासुदेवाय नमः, और कहते ये किसी को बताना मत, क्योंकि ये मंत्र में बहुत पावर है, तुम इसकी साधना करते रहो, तुम अनन्य शिष्य हो मेरे, इसके लिए मैं तुमको बता रहा हूं, तुम्हारी लगन देखकर मैं तुमको ये बता रहा हूं, किसी को बताना मत, इससे सीधा मुक्ति मिल सकती है। वो जाते हैं अपने गांव पहुंचते हैं, और ये जो गुरु ने कहा था इससे मुक्ति हो सकती है, तो सोचते हैं अगर ये मैंने बता दिया तो मुझे तो नर्क मिल जाएगा, अच्छा है मैं नर्क जाने को तैयार हूं। मंदिर के ऊपर पर कोटे पे ऊपर चढ़ जाते हैं और सबको सुनाते हैं कि ये मंत्र है मुक्ति का, ओम नमो नारायणाय नमः, ऐसा कुछ मंत्र, और वो सबको सुना देते। गुरु इतने नाराज होते हैं, कहते मैंने ये सोचा नहीं था तुम ऐसा करोगे, ऐसा धोखा दोगे, सपनों में भी नहीं सोचा था तुम्हारे बारे में। वो कहता है आपने ही तो कहा था इससे मुक्ति मिलेगी, तो क्यों ना सबको मुक्ति मिले, मैं नरक में जाऊंगा चलेगा? तो मंत्र में इतनी पावर होती है। तो हमारा मंत्र बहुत सारे, एक ही मंत्र नहीं पकड़ लेना खाली, योगी भव पवित्र भव वरदान भी है, मंत्र भी है।
तो मंत्र का मंत्र के रूप में योगी अर्थात जो क्या करे, मंत्र जाप। तो एक है तो जाप, वो तो अजपा जाप है, मुख से नहीं बोलना है निरंतर, जैसे यहां से तेल हम ऐसे डाल रहे हैं, वो धारा कैसी होती है, बीच में कुछ गैप होती है क्या डालते समय? अविरल धारा होती है, अनइंटरप्टेड, वैसी अविरल धारा, निरंतर बहती रही धारा। कठिन से कठिन परिस्थिति में अंदर ही अंदर चिंतन हो, कुछ तो हो, बाबा का आह्वान चालू रहे, बाबा को धन्यवाद देते रहे, कुछ ना कुछ लिंक बनी रहे, या किसी ना कोई संबंध से याद करते रहे, कुछ तो होता रहे अंदर। एकदम ही ऐसा ना हो कि पूरा ही भूल गए, फिर वो वापस जोड़ने में बहुत मुश्किल होता है। तो योगी अर्थात मंत्र। सातवा, तपस्वी और क्या होता है? और एक बात है जो तपस्वी करते हैं, एक पैर पर टांग पर खड़े होते हैं, मुरलियों में आया ना, वो सन्यासी, वो तपस्वी, वो योगी क्या करते हैं? एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करते हैं। तुम भी एक टांग पर खड़े होते हो, कौन सी? एक रस स्थिति की टांग, एक रस स्थिति की टांग, इस पर खड़े रहना है। सुबह ही लक्ष्य रखना है, अभी दिनचर्या चालू नहीं हुई है, पर हमको पता नहीं आज दिनचर्या में हजारों चीजें होने वाली है, पता नहीं कौन सा संबंधी, कौन सा हिसाब किताब अचानक सामने आ जाएगा, अचानक कोई हमारा विरोधी बन जाए, अब तक सहयोगी था हम जिसको भूल चुके थे, ऐसा कोई पुरानी कोई आत्मा आके सामने खड़ी हो जाए और सीधा बंधन, कुछ ना कुछ कोई कर दे, कोई ग्लानी करना चालू कर दे, कोई अपमान करना चालू कर दे, कोई निंदा करना चालू कर दे, कोई शिकायत करना चालू कर दे, कुछ तो कर दे अचानक, जो जिसको हमें कुछ खबर ही नहीं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है अचानक से, कोई बहुत पुराना हिसाब किताब सामने आ जा सकता है, जैसे भीष्म पितामह का दिखाया है, एकदम पुराना हिसाब किताब था एक श्रीखंडी, वो बहुत पहले अंबा अंबालिका अंबिका, उसमें वो अंबा के साथ हिसाब बाकी रह गया था बस, बाकी सबके साथ हिसाब पूरा हो गया था, वो अंबा का एक ऋण चुकाना बाकी है, इसलिए वो श्रीखंडी बन के सामने आता है और वो बाबा कहते हैं तुमने बांध मारे। अगर कोई सामने आ जाए हिसाब किताब तो खुश होना चाहिए अंदर से, ठीक है मेरा एक भाई तो ऐसा है, वो कहता है फटाफट मेरे सारे हिसाब किताब चुकते होते, सारे जो है मेरे विरोधी दुश्मन आ जाए फटाफट और करे हिसाब किताब चुक, तो जो अपमान करना है कर दो, जो डांटना है डांट दो और चले जाए, ताकि मैं हल्का हो जाऊं, क्योंकि मुझे जाना है घर। हाँ, वो भी फ्री हो जाएगा डांट कर, कब से लिए बैठा है बेचारा, घृणा नफरत अंदर ही अंदर जमा करके, उसको भी थोड़ा खाली करने दो, उसका भी फायदा है, उसने डांट दिया, उसने घृणा व्यक्त की, पूरा अंदर का निकाल दिया, अच्छा ही है, तो करने दो, तो मैं भी हिसाब किताब पूरा हो रहा है। तो एक पैर की टांग। तो ऐसी ये कुछ बातें थी तपस्या की। जॉइन पावर ऑफ सकाश, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पावर ऑफ सकाश यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन ईश्वरीय महावाक्यों के लिए, महारथियों की पावरफुल क्लास और कमेंट्री सुनने के लिए। ओम शांति।